आज जो है ना बच्चों के बाल बनवाने हैं, तो अभी ये कह रहे हैं कि हमने ना हम सोच रहे थे कि इनको गंजा करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? गंजा करवाएं इनको? नहीं, गंजा नहीं करवाना। हाँ, ये रो रहे हैं। ये तो नहीं रो रहा, वो सुनार रो रहा है। होरिया को निकालो, आज होरिया के बाल बनेंगे। वीडियो आपने देखनी है पूरी, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं होरिया के बाल कटवाएंगे। होरिया होरिया को जुए पड़ गई है? नहीं नहीं, निकाल के तो देती है ना। हाँ, हाथ से कैसे कैसे करती है, ऐसे इनको पड़ जाती है, फूल जाते हैं ना। चल आओ हुरिया, आओ बाल बनवाने जाए। ना कर ना, एक बाजू से ना खींचेगा। वो कहती है शायद कहीं शहर पे जा रहे हैं। हुरिया सोच रही है कि शायद कहीं जा शहर पे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुझे टकला करवा देते। मैं टकला लूंगा। हुरिया हुरिया कमीज उतार दे। हुरिया कमीज उतार देंगे है? ये बाहर चिपक जाएगा। और बाहर जाके उतारना जब कपड़ा वो बनाएगा। इधर ले आओ, चल आ जाओ हुरिया। तो हुरिया के अबू जो है ना कैमरे के सामने नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार है। हाँ, कल शाम से जो है ना मैंने शाम से बहुत तेज बुखार था और रात को इसे जो है ना इंजेक्शन वगैरह भी लगवाया है। डॉक्टर साथ डॉक्टर है तो उसे लगवा कर रहे हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि इसे जल्द से जल्द अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन। रिया अबू को बुखार आ गया है। ये अंडा किधर लेके जा रहा है? ये बाप दादा अबू का नहीं है, उसने कहा है उसे पूछ लो तक खाएं अंडा ना खाएं। तो इसके दादा अबू जो है ना वो अंडे ले आते हैं देसी, तो कभी कभी वो ना खाते हैं। तो अभी स्नैन लेके आ गया कि मैंने खाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज जो है ना हुरिया के और अहमद और स्नैन के बाल कटवाने, नहीं आया बैठा है बाहर, तो हुरिया को भी ले कर आते हैं। होरिया के बाल कटना शुरू कर रहे हैं। ना करो होरिया, क्या तेरी बारी आने वाली है? हाँ सुना होरिया। होरिया चुप करके बैठेगी। रोएगी नहीं, रोएगी नहीं, नहीं होरिया सोनी बन जाएगी। हुरिया आराम करके बैठो, पकड़े स्नैन से पकड़े आराम से आराम से। हुरिया कह रहा बाहर जा रही काम करा। हुरिया आराम, हुरिया आराम करके बैठो। चल आ जा, मत बनाओ या नहीं बनाओ देखा देखा मिल कर ना हुरिया को काबू किया हुआ है। चुप 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 हुरिया चुप चुप, बस बस बन गए हैं हुरिया, बन गए हैं बस। तू तो नहीं रोएगा ना? हुरिया तो रो के बुरा हाल कर दिया। हुरिया को पसीना आ गया, कपड़े पहना के इसे ले आओ। नहाएगी? पानी नहीं है, लाइट नहीं है, छोटे छोटे कर दे इनके, बहुत बड़े हो गए हैं। स्नान के भी कटवाएगा ना? तो अभी माशाल्लाह से अंदर जो है ना हाथ से मुकम्मल हो गया है, तो सिर्फ इसकी पॉलिश जाती है। तो वो कल आप आएंगे फिर इसकी पॉलिश करेंगे। तो वैसे सारा मुकम्मल हो गया, ये दो कमरे मुकम्मल हो गए हैं। तो हुरिया को देखें कैसे खेल रही है।
सुबह हम आपको वीडियो में दिखा रहे थे कि उलिया की जो है ना बाल भी बनवा रहे थे और अहमद हसनैन भी, तो उस वक्त सब ठीक था। तो कल थोड़ा थोड़ा से बुखार आया रात को, तो इन्होंने जाकर इंजेक्शन लगवा लिया, बुखार उतर गया, लेकिन इन्होंने सुबह भी दो मरतबा नहा लिया कि गर्मी है कि गर्मी की वजह से बुखार है। तो ये पता नहीं था कि सर में इतना दर्द हो जाएगा, इतना सर में इसके दर्द हुआ है ना, बुखार जो है ना सर में आ गया, तो शदीद बुखार है। हम आज तक इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, जब से मेरी शादी होकर आई है ना, मैंने इसकी हालत आज तक नहीं देखी जितनी इसकी आज हालत हुई है। तो आप सब प्यार बहन भैया ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला नसीहत दे। वैसे मेरी भी तबीयत सही नहीं है, चलो ठीक है, मैं मुझे बुखार नहीं है, मुझे तो और मसला है, मैदे का मसला है, लेकिन इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया। तो आप सब ने दुआ करनी है, तो अभी भी इसकी तबीयत सही नहीं है, फिर वो बीपी भी इसका टेस्ट किया, बीपी भी ठीक था, लेकिन बुखार की वजह से ना उन्होंने नहा लिया, ना नहाने के बाद फौरन ही इसके सर में दर्द हो गया, तो सर में बुखार चला गया, तो सर में इतना शदीद दर्द हुआ ना, तो इसके जो है ना जिसम पूरा जो है ना ऐसे ये रुक गया, तो ये सो गया बिल्कुल। तो इन्हें मैंने साथ दबाया, बच्चों ने भी, और इसके दादा को बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो भी पहले बीमार रहते हैं, तो इसकी इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो आप सब बहन भैया ने दुआ करनी है। तो ये सुबह सुबह इन्होंने जामत वगैरह बनवाई है और बच्चों की भी बनाई है, तो जला शहर चले गए थोड़ा सा काम का, तो वहाँ से जब आया बड़ी मुश्किल से जाकर आप पहुँचे हैं। आते ही तो मैं रेस्ट कर रही थी, मैं सो रही थी, तो उड़िया भी सो रही थी, मेरी भी तबियत सही नहीं थी, तो बुरिया भी सो रही थी, मैं भी इन्होंने जल्दी जल्दी मुझे उठाया, कहता है कि मुझे मेरे साथ में बहुत ज़्यादा तकलीफें, आप मेरे साथ दबाएँ। तो मैंने कहा आप सो जाए, मैं आपके साथ दबाती हूँ। तो फौरन डॉक्टर को मैंने बुला लिया, यहाँ जुमे का टाइम हो गया था, डॉक्टर भी कोई नहीं मिल रहा था, तो मेरा अपना अस्पताल जो है ना, जो हम अस्पताल में काम करते हैं, तो वहीं से मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो शुक्र है अलहमदिल्ला वो डॉक्टर आगे बी पी से चेक किया, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा लो है बी पी, लेकिन पहले ज़्यादा लो हो गया था, फौरन मैंने इसे टैबलेट दी और सब कुछ पानी ज़्यादा दिया था, इसका ब्लड प्रेशर भी सही हो गया सब कुछ, तो अभी भी इसके साथ दर्द है, इसकी सुकून वाली गोली भी दी है, तो थोड़ी सी वो खाई है, मैंने कहा वो खा लें, तो आज तो मैं बोल कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसकी तबीयत सही नहीं है, सर में दर्द है, तो ये कहता है कि उठ के बैठ नहीं सकता, ये तो गोली खाने की वजह से हो रहा है, गोली खाइए ना इसकी वजह से, बहुत परेशान कर दिया है इन्होंने आज। आप सब बहन भैया ने दुआ करनी है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी नहीं है जो कोई जो करने वाला, तो अल्लाह ताला इसे सेहत दे, आपने भी दुआ करनी है।